पंकज भैया। क्या हुआ मुन, तू ऐसे दौड़ के क्यों आ रहा है? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? पंकज भैया। हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा तू पानी पिएगा क्या? नहीं भैया, पहले तुम मेरी बात सुनो। तू बोलेगा तब ना सुन पाएंगे। बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम? पंकज भैया, किसी ने हमारे क्लब का चला दिया। मुन, क्या बोल रहा है तू? हाँ पंकज भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है, हमारा क्लब का जलकर पूरा राख बन गया। अब क्या होगा पंकज भैया, बोलो ना। अब क्या होगा, बोलो ना पंकज भैया, क्या करोगे आप? तू जा, मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है पंकज भैया, मैं चलता हूँ। कितने प्यार और मेहनत से बनाया था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ राख हो गया। सोचा था अपने इस क्लब घर से ही अपने इस गांव का उन्नति का बीज बोएंगे, लेकिन अब क्लब घर ही नहीं रहा। किसने की होगी ये काम? तू इतना हटस मत हो पंकज, हम लोग हैं ना। एक बार जल गया तो क्या हुआ, हम फिर से बनाएंगे ये क्लब घर। मेरे ख्याल से ये जरूर राज बोरुआ का ही काम होगा। हाँ हो सकता है, लेकिन हम ऐसे किसी को शक नहीं कर सकते। हो सकता है किसी और की वजह से जल गया हो। हाँ वो भी तो हो सकता है। किसी और वजह से? विकास, देखो हमारे क्लब घर के आसपास कोई मकान नहीं है, और अपने क्लब घर में बिजली की कनेक्शन भी तो नहीं है। हाँ वो तो है, नमिता ने ठीक ही कहा है, ये जरूर राज की ही हरकत होगी। लेकिन ये बात हम साबित कैसे करेंगे? आज तो साबित नहीं कर सकता, लेकिन एक ना एक दिन सब कुछ सामने आएगा। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और अगर अब हमने ये साबित भी कर दिया ये काम राज बरुआ ने किया है, तो भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सब उसकी कठपुतली है। तो क्या हम लोग हमेशा हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, कुछ नहीं करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे राज मुझे रोकने की कितने भी कोशिश क्यों ना करे। अपने इस गांव को तो मैं एक ना एक दिन मैं जरूर उन्नति के राह पर लेके जाऊंगा, और ये मेरे तुम लोगों से वादा रहा। इस लड़ाई में हम लोग भी तेरे साथ हैं पंकज। सब लोग साथ रहेगा, साथ रहकर काम करेगा। क्या नाम था उन लोगों के क्लब का? साथी। सबका साथ देने वाला साथी। लेकिन अब क्या हुआ, कहाँ गया साथी? इस गांव में एक ही साथी है, इस गांव का एक ही राजा है, वो हूँ मैं। ये राज बरुआ, राजा हूँ मैं इस गांव की, राजा। मेरे इजाजत के बिना ही उन लोगों ने क्लब बना लिया, क्लब घर भी बना लिया। अरे मैं कैसे चुप बैठता? जला दिया, जलाकर राख बना दिया। वही हाल होगा, जो मेरे रास्ते में आएगा सबका मैं वही हाल करूंगा। याद रखना, सबका वही हाल करूंगा। राजा हूं मैं इस गांव की, राजा। मुझे लगता है सवाली को जरूर मलेरिया हुआ है। मुझे भी लगता है। एक काम करते हैं, विकास और मैं जल्द से जल्द शिवाली को अस्पताल ले जाने की बंदोबस्त करता हूँ, और हम लोगों के आने तक जूरी और नमिता शिवाली के पास ही रुको। ठीक है। ठीक है चलो। हाँ शिवाली का ब्लड रिपोर्ट मैंने अच्छे से चेक किया, उसे मलेरिया ही है। आप लोगों का शक सही निकला। मैडम हमारे गांव में सब लोगों को मलेरिया हुआ है। और मैडम पिछले साल 3 जन को डेंगू भी हुआ था, ये सब बीमारियां क्यों और कैसे फैलते हैं मैडम? देखो ये बीमारी मच्छरों के काटने से फैलता है। तुम्हारे गांव में कई जगह गंदा पानी जमा होता होगा, और उस गंदे पानी में ये मच्छर पैदा होकर बीमारियां फैलाते हैं। हाँ मैडम, हमारे गाँव में एक देसी दारू की फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री के आस पास गंदा पानी जमा होता है। तो फिर आप लोगों को ये फैक्ट्री जल्द से जल्द बंद करवाना चाहिए। वैसे भी देसी दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। आप तो आशा कर्मी हो, आपको पता होना चाहिए। हम लोग चाहकर भी वो फैक्ट्री बंद नहीं करवा सकते मैडम,
वो राज बोलवा की फैक्ट्री है, पर हमारे गांव में कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो फिर आप लोगों को सरकार की मदद लेनी चाहिए। ठीक है मैडम, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेवाली के लिए इतना सब कुछ जो किया। अरे ये तो मेरा फर्ज है। और एक बात, सेवाली को हफ्ता 10 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से ठीक हो पाएगी। मैडम आपको जो सही लगे। ठीक है मैडम, अभी हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। बिल्कुल चलते हैं। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। अरे रमला भाभी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कहाँ गई थी भाभी? पानी भरने गई थी। क्या आप लोग ये पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, पर भाभी ये पानी तो पीने के योग्य नहीं है, ये पानी तो गंदा है। हम इसी नदी के पानी में आप लोग नहाते भी है, कपड़े भी धोते हैं, पर ऐसे पानी कभी पीना नहीं चाहिए। अगर ये पानी नहीं पिएंगे तो हम लोग तो प्यासा मर जाएंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, इस पानी को उबालने के बाद पीजिएगा। उबालने के बाद? हाँ भाभी। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ ऐसे ही बस। ठीक है भाभी। पंकज, अरे पंकज जल्दी बाहर आ। क्यों आप सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहा है? पार्टी ऐसी है। क्यों हम बोल दो जरा। महेश ड्राइवर और बसंत का देहांत हो गया। क्या? हाँ। लेकिन कैसे? दोनों ने कल देसी दारू की फैक्ट्री में जाके जम के दारू पी, घर भी लौटा, लेकिन घर के लोग सुबह देखा दोनों मरे पड़े हैं। ये तो एक दिन होना ही था। लेकिन घर वाले ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दोनों की मौत दारू की वजह से हुआ है। आसपास के लोग कोई खुल के कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वजह सबको मालूम है। देसी दारू का कारोबार हमारे गाँव में कौन कैसे चला रहा है ये तो तुम्हें मालूम ही है ना? हाँ सबको पता है। और कौन? राज बोरुआ। चल एक बार दोनों के घर रुके आते हैं। ठीक है चल। चलो राज भैया। बोल क्या बात है? एक बड़ी घटना घट गई। बड़ी घटना? क्या हुआ है? कल रात हमारी फैक्ट्री का शराब पीकर महेश ड्राइवर और बसंत का देहांत हो गया। क्या कहा तूने? मुझे मानने से क्या फायदा, ये बात तो गांव के सभी लोग जानते हैं, और जो सच है वही तो बता रहा हूँ आपको। अरे बेवकूफ, जानते तो सभी लोग हैं, पर किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं राज भैया। तो तू भी तेरा ये फटा हुआ मुंह बंद रख, नहीं तो तेरा ये मुंह मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझा? समझ गए भैया। देख मैं किसी पे दबाव डालकर या बहला फुसला कर तो शराब नहीं पिलाता, लोग खुद अपनी मर्जी से पीते हैं, पीकर वो मरे या जिए उससे मेरा क्या लेना देना। हाँ तुम दोनों एक काम करो, जल्दी से उन दोनों के घर जाओ और उनके घर वालों को बोल के आओ कि अगर उन लोगों ने मेरे खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है राज भैया, हम लोग अभी चलते हैं। जा। देखिए रमला भाभी, अगर आप लोग ही इस अन्याय के विरुद्ध मुंह नहीं खोलेंगे तो कौन खोलेगा? हाँ, नमिता ठीक ही कह रही है। देखो रमला, अगर तुम लोग राज बोरुआ के खिलाफ शिकायत नहीं करोगे तो बहुत सी रमला विधवा होती रहेगी। कुछ तो बोलो रमला भाभी। नहीं कुछ नहीं बोलना है मुझे, मैं किसी के खिलाफ शिकायत नहीं लिखूंगी, कुछ नहीं बोलना है मुझे, जो भी हुआ
अच्छा ही हुआ। हर दिन हर पल वो शराब के नशे में होकर घर लौटते थे और बिना वजह ही मुझ पर चिल्लाते थे, हाथ उठाते थे मेरे ऊपर। वो जिंदा रहते तो भी वो मर मर कर जीते और हमें भी सुकून से जीने नहीं देते। पल पल मरने से अच्छा है एक बार ही मर जाए। अपने आप को संभालिए रमला भाभी। हाँ भाभी, अपने आप को संभालिए। मुझे आप लोगों का साथ नहीं चाहिए मास्टर जी। जब मुझे सहायता चाहिए थी तब तो कोई नहीं आया, किसी ने भी उसे समझा कर सही रास्ते पर नहीं लाया। अब क्या करने आए हैं आप लोग, चले जाइए। मुझे किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखना है। रमला ने सही कहा है पंकज, हम लोगों को पहले से ही कुछ करना चाहिए था। लेकिन सर, करे तो क्या करे? सर, मुझे लगता है राजभोरों ने जरूर अपने खिलाफ कुछ भी बोलने से रमला भाभी को मना किया होगा और भाभी डर गई, इसीलिए भाभी ने हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, पंकज भैया की तरह मैं भी यही सोच रही हूँ। ये सब ठीक नहीं हो रहे सर। ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका हल कैसे निकाला जाए, कैसे ये सब बंद करवाया जाए। जैसे भी हो इस देसी दारू की फैक्ट्री को बंद कराना ही पड़ेगा। हाँ सर। आए मास्टर जी, बैठिए। जूरी मत रो। क्या हुआ भाई? क्या कहो मास्टर जी, जूरी नहा के लौटते वक्त फिसल पर गिर पड़ी, तभी से दर्द से सिल्ला रही, शायद पैर की हड्डी टूट गई। जल्दी ही इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हाँ जरूर, तुम लोग एक काम करो, जल्दी से एक गाड़ी का बंदोबस्त करो। ठीक है सर। तब तक हम लोग यहीं रुकते हैं। ठीक है सर, हम लोग अभी आते हैं। चलो ठीक है, चल। अब क्या होगा मास्टर जी? चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो। यही तो हमारे गांव की समस्या है। हमारे गांव में तो कोई अस्पताल है नहीं, आसपास में भी नहीं है। कमालपुर के अस्पताल ले जाने के लिए हमारे गांव की सड़क इतनी खराब है। हाँ वो तो है, ये सड़क एक बार बन जाए तो बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, विकास और पंकज आ ही रहे हैं। जूरी धीरज रखो। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अब जूरी की हालत कैसी है पंकज? अब ठीक ठाक ही है सर, वो थोड़ा थोड़ा चलने लगी है अभी। सर एक खुशखबरी है। खुशखबरी? जी हाँ सर, बहुत जल्द ही हमारे गांव के सड़क का काम शुरू होने वाले हैं। हाँ। अब तो गांव वालों के बहुत सारे परेशानियां दूर हो जाएंगे, हमारे गांव के लड़के लड़के आराम से स्कूल कॉलेज जा पाएंगे और गाँव के लोग कम समय में अस्पताल पहुँच पाएंगे। हाँ वो तो ठीक है। और सर, सड़क बनने के बाद हमें गांव की सफाई के काम भी जल्दी शुरू करना पड़ेगा। सरकार भी स्वच्छ भारत अभियान के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है। पहले सड़क तो बन जाए। बनेगा सर, इस बार हमारे गांव का सड़क जरूर बनेगा। चल रही है सब? ये बिल्डिंग और सड़क बनाने का काम शुरू किया है। आप कौन? ये हमारा ठेकेदार बाबू है, ये काम इन्हीं को मिला है। अच्छा, ये काम आपको मिला है, बहुत अच्छी बात है।
सुनो ठेकेदार बाबू, आप इस सड़क के ठेकेदार हो, मैं इस पूरे गांव का ठेकेदार हूँ। इस गांव का ठेका मुझे मिला है, क्यों? ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें अपना काम करने दीजिए। अच्छा, अगर नहीं दिया तो क्या कर लोगे? देखिए आप, चुप, एक शब्द भी मत बोलना, नहीं तो तुम दोनों को यही गार कर ये सड़क तुम्हारे नाम पर बनवा दूंगा, समझे? सुनो, राज बरुआ नाम है मेरा, राज बरुआ, राजा हूं मैं इस गांव की, राजा। अभी अपना सामान समेटो और यहां से चलता बनो, नहीं तो चलो गांव में सड़क बनाएगा। सर, अरे पंकज आओ, आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? इस बार तो सर उन लोगों ने ठेकेदार को ही भगा दिया, अब सड़क कैसे बनेंगे? कुछ ना कुछ तरकीब तो सोचना ही पड़ेगा। सर जैसे भी हो, हमें राजबुड़वा के चुंगल से अपने इस गांव को मुक्त करना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे? है कोई उपाय हमारे पास? हाँ सर, है। है? क्या? सर हाल ही में मैं एक आदमी से मिला, उज्जवल नाम है उनका, वो एक एनजीओ चलाता है और उनका एनजीओ गांव के उन्नति के लिए काम करता है। तो फिर देर किस बात की, बुलाओ उन्हें। सर हम लोग अकेले राजबुड़ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उज्जवल के इस एनजीओ के साथ मिलकर हम लोग कुछ ना कुछ तो जरूर हासिल कर पाएंगे और राजबुड़वा को उसके करतूतों के लिए सजा भी दिला पाएंगे। जरूर दिलाएंगे, वैसे भी कहते हैं ना, एक और एक ग्यारह, हमारा साथी एक और उसका एनजीओ एक, हो गया ना एक और एक ग्यारह। हाँ सर। तो ऐसी बात है, इसीलिए तुम लोगों के गांव का हल अब तक ऐसे ही है। हाँ उज्जवल भैया, राजबुड़वा के कारण ही हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। लेकिन तुम लोग उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करते? कोई फायदा नहीं है रीता जी, राजबुड़वा ने सबको मैनेज करके रखा हुआ है। हमारे इस इलाके की पुलिस राजबुड़वा के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर की बात है, उल्टा उनके गैर कानूनी कामों में हाथ बताते हैं। तो एक काम करना पड़ेगा, किसी भी तरह से राजबुड़वा के खिलाफ कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे तो गांव की उन्नति कभी नहीं होगी। एक काम करते हैं, पहले मैं जाकर राजबुड़वा को मिलकर आता हूँ, उसको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्या पता वो समझ जाए। कोई फायदा नहीं उज्जवल भैया, राजबुड़वा समझने वालों में से नहीं है। कोशिश तो करना पड़ेगा, वैसे भी कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप जैसा ठीक समझे। राजबुड़वा मैं आ रहा। ठीक है, जाओ उनको बुला के लेके आओ। है, ये काम चलो, चलो मेरे साथ। आओ पंकज, विकास, तुम दोनों को तो मैं यहाँ बैठने के लिए भी नहीं बोल सकता। जो भी हो बोलो, कैसे आना हुआ मेरे इस गरीब खाना में? और इनको तो मैंने नहीं पहचाना, शायद तुम दोनों का दोस्त होगा। नमस्ते, मेरा नाम है उज्जवल सैकिया, मैं पुहर नाम का एक एनजीओ चलाता हूँ, हम लोग गांव के उन्नति और प्रगति के लिए काम करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आप लोगों का मेरा यहाँ क्यों आना हुआ? अगर कुछ मदद चाहिए तो दिल खोल कर बोलिए, लोगों का मदद करना मेरा काम है। हाँ हमें मालूम है, लेकिन हम लोग आपसे मदद मांगने के लिए नहीं आए। तो दरअसल हमें पता चला है कि आप लोग गांव में देसी दारू का फैक्ट्री चलाते हैं। हाँ चलाता हूँ। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं है कि आपकी फैक्ट्री की वजह से गांव में मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है और दारू पी के लोग मर भी रहे हैं। अच्छा। लेकिन आज तक तो इस गांव में किसी ने मुझसे
ये बात नहीं कही। और आपने गांव के एक सड़क बनाने का काम रोक कर रखा है। हाँ, क्योंकि वो ठेका मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैंने काम बंद करा दिया। आपकी इन करतूतों की वजह से गांव की उन्नति में बाधा पड़ते हैं। अगर आप ये सब बंद कर देंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। हो गया, आपको जितना बोलना था आपने बोल दिया, तो मैं अब बोलता हूँ। अब सुनिए, पहली बात, देसी दारू की फैक्ट्री का मेरे पास परमिट है, ये काम मैं इल्लीगली नहीं कर रहा। और शायद आपको मालूम नहीं है कि हमारे इस गांव के बहुत सारे लोग मेरे देसी दारू की फैक्ट्री में काम करके अपनी रोजी रोटी निकाल रहे हैं। तो मैं तो गांव की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। और अगर कोई लोग ज्यादा दारू पीकर मर जाते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दारू कभी किसी का भला नहीं करता। ये बात सिर्फ आप कह रहे हैं, गांव के लोग नहीं। और हाँ, क्या कह रहे थे आप कि अगर मैंने मेरे सारा धंधा बंद कर दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन अगर मैंने ये सब बंद नहीं किया तो तो हम लोग आपके काम में बाधा डालेंगे। इसे मैं धमकी समझूं या चेतावनी? आप जो समझे। मैं तो समझ गया उज्जल बाबू, लेकिन आप नहीं समझे कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते। समझे? हाँ राज साहब, मैं भी सब कुछ समझ गया, लेकिन हमारे एनजीओ का काम है हर हाल में गांव की उन्नति कराना, और ये हम करके रहेंगे। हमें जो बोलना था वो हमने बोल दिया, बाकी सब आपकी मर्जी। चल पंकज। चलिए उज्जल भैया। मेरे साथ दुश्मनी करके तुम लोगों ने अंगारों पे पैर रखा है, जल जाओगे, जलकर राख बन जाओगे सबके सब। देखना पंकज, हमारा गांव का इतना सारा जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ रे, ये सारा जमीन पर राजबड़ुआ कब्जा करके बैठा है। वो किसी किसान को खेतीबाड़ी भी करने नहीं देता है, क्योंकि इसके बगल में उसका देसी दारू का फैक्ट्री लगा हुआ है। ऐसे नहीं चलेगा, क्या हम ऐसे चुप बैठे रहेंगे? आप लोग सही में चलाकी का काम किए हैं। अब राजबड़ुआ को कोई भी सजा मिलने से रोक नहीं सकता। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में राजबड़ुआ के खिलाफ एक FIR दर्ज कीजिए।